सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लास पे। दोस्तों आज हम फिर से लाए हैं फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यानी क्लास टेन का जो फिजिक्स है आपका, वो उसमें जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो मैं आपको हर दिन नहीं तो हफ्ते में दो तीन वीडियो तो ला ही देता हूँ, ठीक है। तो फिर आज वीडियो आया है और आज का प्रश्न है कि दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं। भाई साहब ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाते। एक क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते, ये पूछे जाते। एक क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, यानी ये दोनों का निचोड़ भी एक क्वेश्चन में पूछा गया और दो क्वेश्चन अलग अलग से भी पूछा गया। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि हमारा 500 सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो गया दोस्तों इस चैनल पे, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, आइए एकदम बारीकी से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देखा जाए, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों का परत पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें बहुत गैसों का परत पाया जाता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। इन गैसों का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी ये जो परत में गैस पाया जाता है उस गैसों का क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है जिसके कारण वायुमंडल में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है। क्या होता है, वायुमंडल में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता जाता है, इस प्रकार वायुमंडल की वायु विभिन्न घनत्वों वाले परतों में बट जाती है, ठीक है। क्या आप ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा दोस्तों, वायुमंडल की वायु विभिन्न घनत्वों वाले परतों में बट जाती है। तारों से चलने वाली किरणों का वायुमंडल के भिन्न भिन्न परतों से गुजरना पड़ता है, इन परतों का घनत्व अलग होने के कारण अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण की दिशा, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, अपवर्तित किरण की जो दिशा है वो हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। इसी कारण तारे हमें टिमटिमाते या फिर जगमगाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, आप समझ गए। फिर से मैं बताता हूँ, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों का परत पाया जाता है, इन गैसों का घनत्व ज़्यादा होता है, वायुमंडल में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता जाता है, इस प्रकार वायुमंडल की वायु विभिन्न घनत्व वाले परतों में बढ़ जाती है। तारों से चलने वाली किरणें वायुमंडल में भिन्न भिन्न परतों से गुजरना पड़ता है, ठीक है, यानी तारा से जो चलने वाली किरण है उसको वायुमंडल के भिन्न भिन्न परत से तो गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो और जो भिन्न भिन्न परत है यानी इन परतों का घनत्व अलग होने के कारण, ऊपर बता दिया गया है कि इन परतों का घनत्व अलग होता है, तो अलग होने के कारण दोस्तों अपवर्तित किरण, यानी कि जो दोस्तों तारा से जो प्रकाश की किरण चली है उसका अपवर्तित किरण की दिशा हमेशा बदलती रहती है, इसी कारण तारे टिमटिमाते या फिर जगमगाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों 3 नंबर में भी आ सकता है, आपको 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आप आराम से समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।